हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। मैं आज आपसे बात करने वाला हूं एडजस्टमेंट डिसऑर्डर के बारे में। एडजस्टमेंट डिसऑर्डर मतलब एडजस्ट नहीं कर पाते सिचुएशन से, समायोजन नहीं होता सिचुएशन से। वातावरण में कोई बदलाव आता है, कोई तनाव आता है और वो तनाव से एडजस्ट नहीं कर पाते और उसमें फिर भावनिक बदल अपने दिमाग में हो जाते हैं, अपने शरीर में हो जाते हैं और उसे तकलीफ होती है, उसको बोलते हैं एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। ये एडजस्टमेंट डिसऑर्डर कोई भी उम्र में हो सकती है, स्त्री और पुरुष में मोर और लेस सेम है। और जो भी स्ट्रेस, जो भी तनाव लाइफ में आ गया है, वो तनाव के बाद में 3 महीने के अंदर इसकी शुरुआत होती है। तनाव आने के बाद 3 महीने के अंदर इसकी शुरुआत होती है बीमारी की, और तनाव निकल गया तो 6 महीने में अच्छा हो जाता है। यदि ये रहा क्राइटेरिया तो बोलते हैं एडजस्टमेंट डिसऑर्डर है। अब तनाव कौन से हो सकते हैं? जैसा बच्चों को स्कूल फोबिया होता है, उसकी वजह से तनाव हो जाता है, मतलब स्कूल में जाना नहीं है, या बच्चा फेल हो गया। फिर डाइवोर्स की बात चालू है पति पत्नी की, डिमोशन हो गया, कंपनी से निकाल दिया, किसकी डेथ हो गई, ऐसी कुछ बात, मतलब कुछ भी बात हो सकती है जिसमें तनाव आ जाता है और तनाव के बाद में फिर ये भावनिक उथल पुथल हो जाती है, जिसमें चिंता, छाती में धड़कन, नर्वस लगना, आगे कैसा होगा उसके बारे में चिंता करना, चिड़चिड़ापन, गुस्सा करना और इधर का गुस्सा इधर निकालना, मतलब ये जो यदि प्रॉब्लम चालू है तो ऑफिस का गुस्सा वो घर में आएगा और घर में उसकी मतलब वो गुस्सा बच्चों के ऊपर, पत्नी के ऊपर चालू हो जाएगा। या टीचर है, टीचर को कोई प्रॉब्लम उसके घर में है और वो टीचर पूरा गुस्सा अपने स्कूल के बच्चों के ऊपर निकालेंगे और वहां से प्रॉब्लम बच्चों को चालू हो जाएगा कि टीचर बहुत कड़क है। एक्चुअली टीचर को उसके घर में प्रॉब्लम है, इसके वजह से वो कड़क हो गए और मारपीट कर रहे बच्चों को। तो ऐसे एडजस्टमेंट डिसऑर्डर जो है वो एडजस्ट होने का प्रॉब्लम है। तनाव आने के बाद में 3 महीने के अंदर शुरू होना चाहिए तो हम उसको एडजस्टमेंट डिसऑर्डर बोलते हैं और 6 महीने में खत्म होना चाहिए तनाव निकालने के बाद। इसमें यदि उसको चिंता है, मतलब एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, निराशा है, तो उसकी दवा उसके साथ में देना जरूरी है, दवा से फायदा हो जाएगा। इसके साथ साथ अभी देखना है कि कोई बदन की बीमारी है क्या, और वो भी जांच करना जरूरी है कि बदन की बीमारी नहीं है क्या, और वो नहीं होंगी तो फिर आगे चलना है ट्रीटमेंट करने का ये एडजस्टमेंट डिसऑर्डर का। मानसोपचार मतलब साइकोथेरेपी और अपने रूटीन जीवन में बहुत एक्टिव लाइफ जीना, उसके साथ साथ मेडिटेशन, सबसे बेस्ट सम्मोहन उपचार हिप्नोसिस, कि रोज अपने आप को वो सम्मोहन करता है और सम्मोहन में अपने आप को रिलैक्स करके स्वयं सूचना देता है और स्वयं सूचना देने के बाद में भाई मैं एक्टिव लाइफ जीऊंगा, मैं सकारात्मक लाइफ, सकारात्मक विचार करूंगा, ऊर्जा के साथ में जीऊंगा, मुझे बहुत शक्तिशाली लग रहा है, मेरी चिंता दिन ब दिन कम हो रही है, मेरी निराशा दिन ब दिन कम हो रही है, मुझे बहुत ही खुश लग रहा है और जो भी अभी सिचुएशन आ गई उसका सामना मैं आत्मविश्वास साथ में करूंगा, मतलब इस तरह की स्वयं सूचना देते हैं, उसमें विजुअलाइज करते हैं और स्वयं सूचना देते थे विजुअलाइज करना, स्वसम्मोहन करना, तो इसका इलाज जल्दी हो जाता है। ऐसे काफ़ी सारे लोग होंगे कि जो अपने जीवन में तनाव के कारण व्यथित हो गए या उनका उनकी उनकी उत्पादन क्षमता कम हो गई, वो काम नहीं कर पा रहे, तो उनको इलाज की जरूरत है। उनको यह वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, आप फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर शेयर करो, लोगों तक तो पहुंचाओ, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ और ये वीडियो को सब्सक्राइब करो। मेरे काफ़ी सारे वीडियो आते रहते हैं, वो भी आपको जब आएंगे तब तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।